Dr. Khan, how do you know if someone is crazy or normal? आप मुझे ले लेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा क्रेजी हूँ, क्योंकि इतने फॉर्मल सेमिनार में मैं ये फटी हुई जीन्स पहन कर आया हूँ। So, am I crazy? Maybe. Or maybe मुझे सिर्फ एक अच्छे स्टाइलिस्ट की जरूरत है। Actually, crazy बहुत ही डरावना शब्द है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी स्टिल लोग ये समझते हैं कि दिमाग की प्रॉब्लम होना बहुत शर्म की बात है। बॉडी की प्रॉब्लम वो नॉर्मल है, यू नो, क्योंकि सबको बता सकते हैं, हे गाइस, आई एम इन द हॉस्पिटल, मुझे किडनी फेलियर है, यू नो, लंग इन्फेक्शन, जॉन्डिस। लेकिन अगर दिमाग की प्रॉब्लम हो तो सारी की सारी फैमिली एकदम साइलेंट। जैसे दिमाग हमारी बॉडी का हिस्सा ही नहीं है। अभी मत हंसी, जोक तो अभी शुरू हो रहा है। यहाँ गोवा में मेरे माँ बाप सबको बताते थे कि मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर की फैमिली वालों को भी सबको ये बताते हुए शर्म आती है कि उनका बेटा एक दिमाग का डॉक्टर है। इमेजिन माई फ्लाइट। मेरे बहुत सारे प्रेग्नेंट रिश्तेदार मुझे गायनाकोलॉजिस्ट समझकर मेरी क्लिनिक पर फ्री चेकअप के लिए पहुंच गए। यू नो व्हाट, मैंने भी दो चार डिलीवरीज करी थी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के। आई एम जस्ट किडिंग यू। पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न काय का पैटर्न, सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और यार उल्टा लिखा, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे। ये देखिए, छोटा एच छोटा टी, देखा मेरे रमेश, एनिमल एक ही पेज पे तीन अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है ऐसा। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी, एसओ एलआईटी सॉलिड बन गया एसओ आई रेडी। क्यों करता है ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत होती। जब आप एपीपीएलई एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता शायद, इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। Thank you.
Excuse me. Ah, Mr. Avasthi. Aye, aye. Please come. Dosto, main zara 2 minute aaya. Aye. Baith. Sorry, jagah zara kam hai. Yahan kaise? Factory mein kaam se aaya tha. Ishan se mile? Nahi, abhi nahi. Milunga. Pehle aapse kuch baat karni thi. Kahi? मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है. डिसलेक्सिया पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है. आपको बताना था. क्यों? मुझे क्यों बताना था? नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते. ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी. इसमें इलाज की शक्ति है. एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है. बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है. एक आध छप्पी प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूं. अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ. क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा. ख्याल करना, ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी. मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं. चलता हूं. और इनको चित करने वाला शिष्य है नन्हा मुन्ना 9 साल का ईशान नंद किशोर अवस्थी आपका.
हो गया बेटा, आ जाओ अब। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। डॉर्मेटरी में जाकर कपड़े बदलो गाना गाने के लिए, कम ऑन। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता, मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं मां। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना